Hello everyone, thank you so very much once again for joining the channel Yoga with THP. You can subscribe the channel, like and share it as well, because there are a lot of other topics you can find over here, like the child development, the introduction to clinical psychology and psychotherapy, and positive psychology, clinical psychology. And there are different topics as well, and the yoga sessions as well over here. So today we are going to discuss about the Gestalt therapy. Here you will come to know that what actually Gestalt therapy is and how we can apply on our clients, and in we can use even in our daily routine life as well. So let's start with the flow. सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो एक्चुअली गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है. तो गेस्टाल्ट एक्चुअली थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई थी 1940s में, और जो इसको डेवलप किया था वो फ्रिट्ज पर्ल्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. अब गेस्टाल्ट डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो इसमें क्या है कि इसमें सजेस्ट किया जाता है कि होल इज अ ग्रेटर, यानी जो एक ज्यादा नुमाया चीज नजर आने वाली है, सुनाई देने वाली है, ये जो भी हमारा सेंस जो है जो परसीव करता है, एक्चुअली होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. अगर हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे तो वो हमें उस तरह से नजर नहीं आएगी या सुनाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी. जबकि होल में जब हम लोग उसको देखते हैं, कंप्लीट में देखते हैं, तो वो एक्चुअली is something. और गेस्टाल्ट थेरेपी ने इस तरफ भी अटेंशन दिलवाई कि हम किस तरह से मीनिंग्स देते हैं या किस तरह से हम लोग सेंस करते हैं या बनाते हैं. हमारे जो इर्द गिर्द जितना भी हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे सर्कमस्टांसिस है, उसके रिलेटेड हम किस तरह से मीनिंग्स देते हैं उसको और किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं उसको, इसी की बेस पे एक और वीडियो भी इसमें डिस्क्रिप्शंस में, सारी वीडियोस के लिंक्स तो हैं इसमें, गेस्टाल्ट के हवाले से कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं परसेप्शन एंड सेंसेशन के हवाले से, उसमें भी आप ये देख सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिटी मिल सकती है. चूँकि अभी हम लोग थेरेपी के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो वीडियो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इस हवाले से. गेस्टाल्ट थेरेपी एक्चुअली एक डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि ये तब इंट्रोड्यूस करवाई गई जब ये माना जा रहा था कि जो हमारे जैसे साइको एनालिटिकल हमारे पास मॉडल्स थे उसमें ज़्यादा जो है वो पास्ट को बहुत ज़्यादा, या फिर बिहेवियरिस्ट से जो सिर्फ बिहेवियर को, ऑब्जर्वेशन जो सामने नजर आ रहा, उसी चीज़ को ज़्यादा इम्फोसिस कर रहे थे. लेकिन गेस्टाल्ट थेरेपी एक्चुअली एक ह्यूमनिस्टिक एंड होलिस्टिक या पर्सन सेंटर्ड फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी के नाम से भी इसको जाना जाता है. अब इसमें जो फोकस्ड होता है वो इंडिविजुअल का प्रेजेंट, यानी हियर एंड नाउ, अब क्या हो रहा है, किस तरह से वो सोच रहा है, किस तरह से वो अपने सर्कमस्टांसिस को या अपने सराउंडिंग्स को वो फेस कर रहा है या कर रही है, और अपने लाइफ एंड चैलेंजेस को वो किस तरह से देख रहा है अपने प्रेजेंट में या फेस कर रहा है, रादर देन कि इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम लोग देखें. ये जो अप्रोच है ये स्ट्रेस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये ज्यादा जो एम्फोसिस करता है, ज्यादा फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल लाइफ, जो पर्सन, जो उस क्लाइंट की पर्सन की जो लाइफ है, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन प्लेसिंग ब्लेम. तो इसमें जो फोकस करवाया जाता है कि वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करे रादर देन कि ब्लेम करे अपने पास्ट को या फिर उन हालात को, बल्कि वो उनको फेस करे. और उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट जो है वो मेथड्स इसमें बताए गए कि वो किस तरह अपने प्रेजेंट पे रहते हुए अपने जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको कैसे फेस कर सकता है. गेस्टाल्ट थेरेपी भी लाइकवाइज दूसरे जिस तरह से थेरेपीज हम लोग दूसरी वीडियोस में बात कर चुके हैं, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, एंड स्पेशली लो सेल्फ एफिकेसी, लो सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इन हवाले से ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये वाली जो थेरेपी, गेस्टॉल्ट थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जिसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, जिनमें से जो चंद एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपने साथ भी ये अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। इसकी जो सबसे पहली टेक्निक है कि अगर क्लाइंट हमारे पास आता है और उसको हम किस तरह से, तो उसमें वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, गेस्टॉल्ट का थेरेपी का मानना, इन स्कूल ऑफ थॉट का मानना ये है कि जो हमारे वर्ड्स हैं या जो लैंग्वेज है, जब हम लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे लिए, वो इफेक्ट कर रहा होता है एक्चुअली। वो किस तरह से कि इसमें एज क्लाइंट लर्न टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यहाँ पे उसने चूंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको सिखाई जाती है, तो दे लर्न टू यूज लैंग्वेज, उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है। ऑब्वियसली लैंग्वेज एबीसी या फिर सेंटेंसेस बनाना तो नहीं, लेकिन जो वर्ड्स उनके पास है उनको किस तरह से यूज करना है, वो ही रिफ्लेक्ट करते हैं सेंस ऑफ पर्सनल ऑनरशिप रादर देन फोकसिंग ऑन द अदर। तो उसकी जो ऑनरशिप है एक्चुअली, उसको ऑन करवाना, उसमें वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपने भी अक्सर ये देखा होगा कि जब हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है या ऐसी सिचुएशन आती है जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, तो उस वक्त अगर आप नोटिस करें तो हम लोग जो वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं वो बड़े कई दफा डिप्रेसिंग होते हैं या कई दफा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन होती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फिर वर्ड्स जो है वो हमारे बिहेवियर पे, हमारे इमोशंस को उसी तरह से कंट्रोल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किस तरह से है कि अब क्लाइंट को यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, मतलब क्लाइंट कहता है कि इफ ही डिडेंट डू दैट, अगर वो ऐसा ना करता आई वुडेंट गेट सो मैड, तो मैं इतना मतलब पागलपना ना वहां पे शो करता या पागलपन ना शो करता, या मैं बहुत बुरा ना दिखाई महसूस करता, या दूसरे लोग मेरे बारे में ऐसा ना सोचते। अगर उसका ये एक स्टेटमेंट है मिसाल के तौर पे, तो क्लाइंट को एक्चुअली वर्ड्स इसमें या लैंग्वेज क्या सिखाई जाती है कि उसको ये कहना सिखाया जाता है कि आई फील मैड व्हेन ही डज दैट बिकॉज इट मेक्स मी फील इनसिग्निफिकेंट एंड आई डोंट लाइक दैट। इसमें इसको ये भी बताया जाता है, बजाय इसके ये कहने के कि अगर वो अगर मैं ऐसा ना करता, मैं पागल ना, वहां पे लोग मुझे बुरा ना कहते, तो उसको दूसरे वर्ड्स क्या सिखाए जाते हैं पॉजिटिव, कि मैं ऐसा करते हुए मुझे अच्छा नहीं महसूस होता क्योंकि ये मेरी शान के खिलाफ है और मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज करूं या इस तरह के वर्ड्स यूज करूं या इस तरह की महफिल में बैठूं या इस तरह लोग अगर मेरे ऊपर कमेंट्स पास कर रहे हैं तो मैं भी आगे रिस्पॉन्स करूं। तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसके जो नेगेटिव वर्ड्स हैं और लैंग्वेज है उसको पॉजिटिव में चेंज करवाया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक कि किस तरह से क्लाइंट को वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं ताकि वो आप ओवरकम कर सके उस सिचुएशन को। दूसरी जो इसमें वर्ल्ड नॉन फेमस इनकी जो टेक्निक है, दैट इज एम्पथी चेयर। अब एम्पथी चेयर में क्या है कि एम्पथी चेयर में अलाउज अ क्लाइंट टू इमेजिन, यहाँ पे वो इमेजिन करता है, एक तरफ उसको बिठाया जाता है और दूसरी तरफ बिल्कुल एक खाली कुर्सी उसके सामने रखी जाती है। इसमें वो इमेजिन करता है और पार्टिसिपेट करता है, एक कॉन्वर्सेशन वो करता है, एक बातचीत करता है, बहस करता है विद अदर पर्सन और अदर पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, या तो जिसके साथ उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर वो अपने ही साथ अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम में वो इंगेज है, यानी सेल्फ एफिकेसी के हवाले से या सेल्फ एस्टीम के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो अपने आप को वहां पे महसूस करता है उस खाली चेयर पे या जिसके साथ उसका प्रॉब्लम हो। और फिर सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम द एम्प्टी चेयर द क्लाइंट एंटर्स इनटू अ डायलॉग, फिर वो डायलॉग करता है एज इफ दे वर स्पीकिंग, जिस तरह से वो बात कर रहा है, ऐसी बात जो वो नहीं कर सकता अपने आप से या किसी ऐसे शख्स से जिसके साथ उसको प्रॉब्लम है। और फिर क्या होता है, विद दैट अदर पर्सन और दैट अदर पार्ट ऑफ देम सेल्फ, तो इससे वो लर्न कर लेता है। जब वो फर्स्ट पार्ट, जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात की कि
जब वो उसको लैंग्वेज एंड वर्ड्स सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि किस तरह से उसने कॉप अप करना है उस सिचुएशन से, तो वो फिर उसके साथ कॉन्वर्सेशन में आता है, वो उसके साथ निगोशिएशंस में आता है, वो उसके साथ बातचीत करता है, ताकि अपना वो सेल्फ जो है वो उस कॉन्वर्सेशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो सके। तीसरी जो इसमें चीज़ बड़ी मज़े की है वो बॉडी लैंग्वेज है। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज हम लोगों ने उसमें भी पढ़ी थी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की स्लाइड्स में, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बॉडी लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो सामने जो बैठा हुआ है, इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज। इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसी बात जो वो नहीं कर पाता, क्लाइंट जो है वो अपने मतलब क्लाइंट टू गिव देयर फुट हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ वॉइस, उसको इनकरेज किया जाता है कि वो जब बात करते हुए अपने हाथों को बहुत ज़्यादा तोड़ता मरोड़ता या अपने पाँव को बहुत ज़्यादा शेक करता है, या बॉडी लैंग्वेज से महसूस होता है कि अब वो पॉइंट आ चुका है कि जिसके ऊपर इसके साथ डिस्कस करके वो हम उस बात तक पहुँच सकते हैं, तो इसके लिए उसको इनकरेज किया जाता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दी जाती है, ताकि क्लाइंट अटर कर सके एक्चुअली वो चीज़ जो वो काफी देर से अपने साथ लिए फिर रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ प्रॉब्लम है, वो अपने माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या वो सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल नहीं है। तो इन सारे बॉडी लैंग्वेज को वर्ड्स, इनको वॉइस दी जाती है कि बताए बोले कि एक्चुअली क्या चल रहा है। उसके बाद रोल प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जिस तरह से एम्पटी चेयर है उसमें तो एम्पैथी चेयर होती है सामने, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रोल प्ले करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट स्पीक्स एज द टॉप डॉग। अब वो वाले अपने सारे इमोशंस को पेंट आउट करता है, कि वो जो इमोशंस वो अपने साथ लिए फिरता है, जो वो नहीं कर सकता, उसको सामने बिठाया जाता है, या तो थेरेपिस्ट सामने बैठता है और क्लाइंट, और ये दोनों फिर रोल प्ले करते हैं कि जो प्रॉब्लम वो फेस नहीं कर पा रहा या कर पा रही, उसको फिर वो एक्सचेंज करते हैं अपने रोल को, रोल प्लेइंग में करते हैं। रोल रिवर्सल भी इसमें आ जाता है कि कभी क्लाइंट जो थेरेपिस्ट बन जाता है, थेरेपिस्ट क्लाइंट बन जाता है, तो वो फिर एक दूसरे से जब पूछते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो वो नहीं शेयर कर सकता या अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, तो इस पोजिशन में वो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस हो जाती हैं। इसके बाद एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कई दफा क्लाइंट के लिए कि वो वर्ड्स को फाइंड आउट करे, कि वर्ड्स उसको नहीं मिलते कोई भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एग्जेजरेट करने के लिए कहा जाता है क्लाइंट को, कि उसके जितने भी बातें हैं या इमोशंस हैं उसको रेपिटेटिवली वो बार बार एक ही बात को कहे, उसको एक अलग से कमरे में या अलग ऑफिस में बिठा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि रेपिटेटिवली वो अपनी इन्हीं बातों को बार बार दोहराए। तो फिर क्या होता है कि इन सेवरल टाइम्स इन अ रो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द सेशन। अब यहाँ पे उस वो कैथारसिस एक्चुअली कर रही होती है या कर रहा होता है, जिससे वो बार बार जब एक बात करता है तो काउंसलर को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थेरापिस्ट को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उसको भी पता चल जाता है कि एक्चुअली जो इतना ज़्यादा एग्जेजरेशन की जा रही है या इतना ज़्यादा उसको ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, वो एक्चुअली कोई इतना बड़ा रीजन्स नहीं है। तो इससे उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक्चुअली प्रॉब्लम को फेस करने के हवाले से। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव आर्ट्स भी क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये एक एडिशनल एक्टिविटीज होती है, जिस तरह से अगर कोई पेंटिंग या कोई स्कल्पचरिंग करता है या ड्राइंग या सिंगिंग या पोइट्री या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो इसमें क्या होता है कि उनको अवेयरनेस होती है, जब वो अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो अपने प्रेजेंट में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लोग कई दफ़ा अपने प्रेजेंट में रहते हैं और फिर टॉकेटिव बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो अपने प्रेजेंट पे रहते हुए कई दफ़ा उस सिचुएशन उनको ऐसी दी जाती है कि ऐसी सिचुएशन में आप जो आपके लिए फेस करना मुश्किल है उसको आप सोचें प्रेजेंट में रहते हुए, और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस दें, और साथ साथ किसी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी में उसको इंगेज कर दिया जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा
देखने में आया है कि क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा जब आर्टिस्टिकली जो भी उसकी अपनी हॉबी है उसके रिलेटेड, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा थेरेपिस्ट को समझने में मदद मिलती है और उसको भी अपने जो एब्स्टेकल्स है उसको कवर अप करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती है। उसके बाद मूविंग ब्लॉक्स हैं, तो जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव किया जाता है और क्लाइंट को उसके मकसद तक पहुंचाने में कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वहां तक ले जाने में आहिस्ता आहिस्ता एक एक ब्लॉक को जो उसके लिए बैरियर्स होते हैं उसको मूव किया जाता है ताकि क्लाइंट आसानी के साथ अपने मकसद की तरफ अपने अचीव कर सके उसको। सो विद दिस जी, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, और अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा बाकी भी अपने ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है या उनके लिए ये फ़ायदा मंद हो साबित हो सकता है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा लिंक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसमें आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, उनको भी हो सकता है आप लोगों के लिए वो आसानी का बायस बने। खुश रहिए, आसानियाँ बांटते रहिए, आसानियाँ पैदा कीजिए। थैंक यू सो मच।